जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे पिछले वीडियो में पोस्ट को लेकर, क्या सर एसएससी जीडी में पोस्ट चेंज कर सकते हैं अभी भी, क्यों इस बार क्यों ऐसी बातें आ रही है? क्योंकि सभी को पता है जो सीआईएसएफ की पोस्ट थी वो पोस्ट बड़ी थी जब फोरम के अंतिम 3 दिन बचे थे। आप सबने देखा होगा जब फोरम के अंतिम 3 दिन बचे थे उस दिन सीआईएसएफ की पोस्ट की एड की गई थी। उससे पहले सीआईएसएफ की ज्यादा पोस्ट नहीं थी, 300-400 पोस्ट थी, कई राज्यों में एक भी पोस्ट नहीं थी, जैसे गर्ल्स के लिए एक भी पोस्ट नहीं थी, बाद में एड की। तो उन लड़कियों ने भी, कई लड़कियां ऐसी है जिन्होंने सीआईएसएफ पोस्ट दी नहीं, तो क्या उनको अभी और मौका मिल जाएगा पोस्ट चेंज करने का? क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने, अगर आप देखोगे ज्यादातर जिन बच्चों ने लास्ट 3 या 4 दिन में फॉर्म भरा उन्हीं की पोस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी सीआईएसएफ, बाकी सब बच्चों ने या तो बीएसएफ डाली है या आईटीबीपी या एसएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ या एनआईए, ज्यादातर बच्चों ने यही पोस्ट डाली है, सीआईएसएफ बहुत कम ने डाली है। तो इसका फायदा किसको मिलेगा, पहले तो मैं बता दूं कि अब आपको पोस्ट चेंज करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, हर बार भी नहीं मिलता ना इस बार मिलेगा, भले ही पोस्ट बाद में ऐड की गई हो। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी डिपार्टमेंट की पोस्ट ऐड की गई हो। एसएससी जीडी के अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, मैं आपको बता दूं 2011 फिर 2013-14 की जो वैकेंसी थी और 2016 जिस वैकेंसी में मैं लगा था, इन सभी में पोस्टें बढ़ाई गई थी बाद में, और किसी में ही बाद में पोस्ट चेंज करने का मौका नहीं दिया गया था। पोस्ट आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपने भर दिए वही मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब आपके अप टू द मार्क नंबर हो गए, जैसे मान लो कि बीएसएफ की कट ऑफ गई है 83 और आपके 83 से ऊपर नंबर है तो आपको बीएसएफ मिल जाएगी। अगर 83 से कम है और मान के चलोगे जैसे सीआरपीएफ की गई है 78 तो भले ही आपने बीएसएफ फर्स्ट चॉइस दिए लेकिन आपको मिलेगी कौन सी? सीआरपीएफ मिलेगी। यहाँ की जो मेरिट रहती है डिपार्टमेंटली वो रहती है नंबर के आधार पे, जैसे आपकी जो भी चॉइस रही हो, जैसे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं एसएसएफ चॉइस देते हैं अपनी। अब एसएसएफ की कट ऑफ सबसे हाई जाती है, अब सबसे हाई जाती है ज्यादातर बच्चे देते हैं, लेकिन जब उनके नंबर कम आते हैं तो फिर उनको क्या करते हैं कि इनमें से किसी और वैकेंसी में जिसमें भी पोस्ट खाली रहती है तो उनमें डाल देते हैं। तो जिन बच्चों ने मान लो कि फर्स्ट चॉइस एसएसएफ दी और अगर सीआईएसएफ के हिसाब से उनके नंबर हुए तो उनको सीआईएसएफ मिल सकती है, ठीक है, उनके चांसेस है सीआईएसएफ मिलने के। लेकिन जिन्होंने बीएसएफ दिया या आईटीबीपी दिया, एसएसबी दिया फर्स्ट चॉइस, तो उनके तो 100% चांस है कि अगर उनके अच्छे नंबर होंगे तो उनको यही मिलेगी, और कम नंबर होंगे तो भी कम चांस है कि उनको सीआईएसएफ मिले। लेकिन जिन्होंने एसएसएफ या एनआईए फर्स्ट चॉइस दिए उनके चांसेस है कि उनको सीआईएसएफ मिल जाए। बाकी आप पोस्ट नहीं बदलते गए, बदल सकते, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने जिस जिले से, जिस राज्य से फॉर्म भरा है उस जिले के आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है, नहीं तो जब फाइनल मेरिट लगेगी ना उससे भी पहले कई बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब आपका डीवी होगा, मान के चलिए कि आपने क्या किया है, फॉर्म तो भर दिया था जिस समय जब आपने भरा तब नक्सल एरिया से, अब आपका आपके पास में वहां का डोमिसाइल है ही नहीं, या जिसको मूल निवास बोलते हैं रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है ही नहीं, अब आपने क्या किया वहां पर दूसरे जिले का लगा दिया। अब मान लो जो जिला आपने पहला भरा हुआ था नक्सल में, अब आपने लगा दिया बॉर्डर जिले का, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो आपने जिस भी जिले से बनाया है उस जिले का आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, लाडलो।